काम इनका ये है शरीर की शुद्धि और उसके बाद ठाकुर जी का उत्थान, उनको उठाओ और फिर अन्नपूर्णा मंदिर में जाओ, उनके देखरेख में हो। नियम लेना चाहिए, बिना स्नान किए रसोई घर में हम प्रवेश नहीं करेंगे। और कई कई तो ऐसी दिव्य माताएं होती, डेढ़ दो बजे स्नान करेंगी, बोल सब बना करके खिला करके जिमा करके जीम करके, ये पता नहीं कौन सा व्रत है इनके जीवन में, ये आलस्य और तमोगुण का व्रत नरक ले जा सकता है। बहुत सावधानी जीवन में, हमारे भगवान को तो पवित्रता पसंद है, ऐसे जैसे स्त्रियों में पवित्रता रखनी चाहिए ऐसे पुरुषों को भी पवित्रता रखनी चाहिए। स्त्रियों में तो कम से कम ये उड़ करके मुंडा तो धोले हमें, और दादाजी 2 बजे तक वो मुंडा ही नहीं साफ करें, बोलो और बाद में क्या बोल रहे हैं महाराज जी, हम तो एक ही टाइम खावे। अरे एक टाइम क्यों खाते हो दादाजी, क्या कमी है, बोले नहीं महाराज 1:30-2 बजे तो स्नान करें और उसके बाद एक टाइम जिम ले में, तब तक दिन पूरा हो जावे। यही दादाजी जो एक टाइम जिमते हैं इनको सुबह 4 बजे स्नान करवा दो, कितने बजे, और कहो 3 बजे जिमाऊंगा मैं। अभी देखो दादाजी की हालत, ये तो 2 आलस्य में बजते हैं दादाजी के, इधर उधर की हताई मक्खियां भिन भिन आ रही है और बैठे हुए हैं बास रहे हैं पूरे घर वाले कह के परेशान हो रहे हैं, स्नान कर लो 2-4 बार, बाल्टी के पानी ठंडे हो चुके हैं, अब कुछ और आगे तो कह नहीं सके, दादा है ना, लेकिन इन दादा को यमराज ढूंढेंगे फिर, ठीक है, वहां दादागिरी नहीं। हमारा जो समय है मनुष्य जन्म का वो अनमोल है, इसे लगा करके बढ़िया सुंदरता पूर्वक भगवान के चरणों में पहुंचो, नहीं तो ये उम्र चली जा रही है, जा रही है। कल तो हम एक गांव में गए थे, वहां से कुछ लोग आए तो होंगे, ऐसा दृश्य देखा मैं तो, ठंडी का टाइम खेजड़ा के पास में ऐसा गोलाई बना हुआ है, बैठने की जगह नहीं तो खड़े हो रखे और चारों तरफ से देखे जा रहे। मैं कह रहा हूं अब ना तो इनको घुटना दुख है, ना इनका कमर दुख है, बुढ़ापा नहीं अब जवानी है, ताश खेलना और देखना, खेलने की अपेक्षा देखने वाले बड़े तत्पर हो रखे थे उसमें। मैंने अंदर से राम राम भी किया लेकिन ना टाइम कहाँ है भाई, एकाग्र ध्यान से काम करने भूल गए तो। मेरे आश्चर्य आया कि वैसे भी बूढ़े आदमी को थोड़ी देर खिला दो तो कहते महाराज बैठ जाओ क्या बोलो दुख है, और वहां लेकिन नहीं, ये हमारे पतन का रास्ता है। हम किसी को कह नहीं रहे, यहाँ जितने आए सबसे कहना भैया समय जा रहा है, और उनसे पूछो ताश क्यों खेलते हो तो बोलेंगे महाराज जी क्या करें टाइम पास आ सकता है। अरे टाइम आप नहीं पास कर रहे हो, टाइम आपको पास कर रहा है, ठीक है, एक दिन जब कम पड़ जाएगा तो कोई देगा नहीं, इसलिए चली जा रही है। विचार करो क्या स्थिति है हमारी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पलियों आँखों पहरी धीरे धीरे, पल पलियों आँखों पहरी धीरे धीरे, चली जा रही है होगा असर धीरे धीरे, बुरा पे होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पलियों आँखों पहरे धीरे धीरे,
उम्र धीरे धीरे, लेकिन हम लोग निश्चिंत बैठे हुए हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? बोलो बोलो, नहीं हो रहा है ना? हो गया पास, सवा बारह बैठे थे, दो बजने वाले, इतना तो हो गया पास। हम सोच रहे हैं टाइम पास हुआ है, टाइम पास नहीं, हम पास हो गए इधर। टाइम तो फिर आएगा कल सवा बारह का, लेकिन ये उम्र जो हमारी गई है ये दोबारा कभी नहीं आनी है। जो साधक इस समय की महिमा जान चुके हैं ना, उनके जीवन में व्यर्थ काम नहीं होंगे, व्यर्थ चिंतन नहीं होगा, ये पक्का है। और जो लोग नहीं दे पाए वे बेचारे आज इतना सुंदर माहौल का त्याग करके तास तमाशे में लगे हुए हैं। ध्यान नहीं है भैया, और जिस दिन इस समय की कमी महसूस होगी, लाखों रुपए से भी नहीं मिलेंगे। ये इसी धन के कारण से हम धनवान बने हैं, अगर ये धन नहीं होता तो हम होते क्या?
ये इतना बहुमूल्य समय है और ये समय जो जो चूक गए हैं उन्हें 84 का चक्कर मिला है। आज हमारे प्रभु इतनी सुंदरतापूर्वक एक लीला की है कि देखो, तन हमारा कहीं भी रहे लेकिन मन मेरे पास रखो, बस मैं लीला करूंगा। माँ कौशल्या की यही स्थिति है, तन तो काम में है और मन भगवान में है। जल्दी 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 उन्होंने रसोई बनाया, थाल सजाया, ठाकुर जी के मंदिर में आके रखी और पानी लेने के लिए गई। और जब पानी लेके आई, देखी तो क्या देखी, मेरा राघव खा रहा है और मेरे को देख के हंस रहा है। ध्यान से सुनना, मैं तो कहूँ आप लोगों को ध्यान करना हो तो ये ध्यान भी बहुत सुंदर है। देखो तो सही, माँ एक पैर हक्की बक्की हो गई, ये क्या देख रही हूँ मैं, चिंता करते करते इतनी तो पागल नहीं हुई ना मैं अभी, ये क्या देख रही हूँ, मेरा लाला यहाँ है। और अगर मेरा लाला यहाँ है तो आया कैसे, अभी तो इतना बड़ा नहीं है कि पालने से उतर जाए। दौड़ी दौड़ी पालने के पास में गई, देखे ना मेरे राघव एकदम, क्या सुंदर प्रसन्नता की छटा है मेरे प्रभु पर, मुख कुमलाया नहीं है, सोए हुए व्यक्ति का मुख कुमला जाता है, देखना बड़ा भद्दा लगता है, और किसी किसी का मुख खुल जाता है तो लार और टपक जाती है, वो मक्खियां भिन भिन आती है, ऐसा लगता है कि गए ये, लेकिन हमारे प्रभु का ऐसा नहीं, अपार आनंद छाया हुआ है, अनंत प्रकाश हो रखा है, ऐसे दिव्य। तब फिर चेताया नहीं, अगर मेरा लाला यहाँ है तो मैं वहां किसको देखी थी, फिर दौड़ी दौड़ी गई और वहां मेरे ठाकुर फिर मुस्कुरा रहे जी में, फिर यहाँ आई फिर वहां गई, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म भ्रमित हो गई, चक्कर खाके गिरी। ये चक्कर आने का मतलब इस लोड को नहीं संभाल पाए, ठीक है, जब गिरी अचेतन हुई तो क्या देखा, रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, दिख रहा वह मातहिनी अद्भुत रूप अखंड। वाह प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कितनी छोटी सी जगह पर कितना विराट, और ये एक दिन की महिमा नहीं है, हम रोज देखते हैं ऐसी लीला लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आपको कि महाराज जी रोज ही हम देखते हैं, हाँ जब गहरी नींद नहीं आती है ना तब भगवान की माया दिखती है, जहां हमने ध्यान दिया है सुना है पढ़ा है वहां एक बात लिखी हुई है, आज्ञा चक्र से लेकर के और चित्त तक एक नाड़ी गई है जिसका नाम हिता नाम से जानी गई है, हिता नाम की नाड़ी चित्त से लेकर आज्ञा चक्र तक गई है, ये कितनी पतली है, तो जो सिर में बाल हैं इसको 6 भाग और करो, अब कितनी पतली होएगी, इतनी पतली वो नाड़ी है, उसमें भी रास्ता है अंदर, पोली है वो, अब वो पोलापन कितना बड़ा होगा, उसमें से मन आना जाना करता है, उसमें जब वो यहाँ आता है रहता है तो हम जागृत होते हैं, और जब वो चित्त में उसी रास्ते से पहुंच जाता है तो हम गहरी नींद में चले जाते हैं, और किसी कारण चिंतन आदि के द्वारा जब वो कंठ में अवरुद्ध हो जाता है तो स्वप्न आता है। अब कितना बड़ा मन होगा, कितना स्पेस होगा वहां पर सोचो, और उतने स्पेस में वो कलकत्ता बंबई भी बना रहा है, देखो कितनी बड़ी बड़ी शहर बस रहे हैं वहां, ये लीला नहीं तो और क्या है, यही माया है, एक साथ ही 3-3, 4-4, 5-5 शहर बस रहे हैं वहां, और हम गए थे फटाफट धंधा चल करके अरब खरबपति भी बन गए उतनी देर में उतने ही जगह में, और आज इतना बड़ा जगह यहाँ तो हम गंगा में है ना, नींद खुली नहीं सारा समाप्त, ऐसे ही दिख रहा हुआ मातहिनी अद्भुत रूप, पता नहीं कहां से स्पेस हुआ उस महल में, रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब गायब हो गया केवल यही बचा है। जब ऐसा सुंदर चिंतन देखा मां घबरा गई, नहीं 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 भूल हो गई, जगत पिता कर सुत में जाना,
जो अनंत सृष्टि के पालक हैं, जगत पिता, मैंने उनको बेटा मान लिया।